أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بندہ مکہ مدینے تو دور ہوئے دل مومن دا دور نہیں ہو سکدا. ہووے مسلمان نبی نال پیار نہ کرے ایڈا لا شعور نہیں ہو سکدا. ہووے بغض صحابہ دا دل اندر وچ عبادت سرور نہیں ہو سکدا. تاخر جڑے صحابہ دے منکر نے کدی چہرے تے نور نہیں ہو سکدا. ہر قسم دی تعریف تقدیس کی بریائی بڑھائی بڑھیائی شہنشائی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو کائنات دا خالق مالک رازق داتا بگڑی بنان والا گنج بخش لجپال غریب نواز صغیر ہے. درود و سلام تاجدار مدینہ والی بطہا بدر الدجا شمس الزہا افسر الانبیاء اکرم الانبیاء اشرف الانبیاء امام المتقین امام المرسلین سید الاولین والآخرین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوتے ہون جس آقا نے سانو ظلمت و جہالت دے اندھیریاں چکڑ کے نور و ضیاء روشنی ہدایت دی طرف سر رہنمائی فرمائی. دوستو بزرگو بھائیو اج دا خطبہ جمعۃ المبارک صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے شان اور مقام دے حوالے دے نال قرآن دی روشنی دے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دیاں 12 خوبیاں تواڈے سامنے بیان کرنیاں. ویسے تو سارا قرآن ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دیاں خوبیاں بیان کر دے بلکہ قرآن ہی کیا تورات دے اندر انجیل دے اندر زبور دے اندر آسمانی صحائف دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی صفات انہاں دیاں خوبیاں انہاں دے کردار دے حوالے دے نال موجود ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ سارے ہی بڑی شان والے بڑے مقام والے. عصر حاضر دے اندر جس طرح درخت دا اگر پتہ چلانا ہوئے تو پھل تو پتہ چل دے کہ کیڑا درخت ہے اور اگر شگیرت دا پتہ کرنا ہے کتنا قابل ہے تو استاد تو پتہ چلے گا کہ دا استاد کتنا قابل ہے اور اگر پیر دا پتہ کرنا ہوئے تو مریدہ تو پتہ چلے گا کہ دے مرید کیسے نے.
इसे तरह की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मुकाम शान समझना, तो नबी पाक दे सहाबा नु देखो, आप दे यारा नु देखो, किवें हो सकदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान वाले मुकाम वाले, लेकिन सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन दे अंदर कमी आ जाए, जिस तरह साडे माहौल मुआशरे के अंदर बयान किया जाता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत दे कुरान ने जगह जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा दा तज़किरा फरमाया, उन्हां दियां अच्छाइयां उन्हां दियां खूबियां मालिक व खालिक ने कुरान के अंदर जगह जगह बयान कीतियां। लेकिन असरे हाजर के अंदर चंद लोग तारीख नूं बुनियाद बना के सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ते तबर्रा कर दे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा दे बारे गंदी गुफ्तगू कर दे नजर आंदे। लेकिन आओ अल्लाह रब्बुल इज्जत दे कुरान दा मुतालिया करो, मालिक व खालिक ने कुरान के अंदर ऐलान फरमाया सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन दे फजाइल, उन्होंने मुनाकिब, उन्होंने खसाइल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के अंदर बयान किए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान फरमाया الصابرين والصادقين والقانتين والمرفقين والمستغفرين بالأسحار। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा दी पहली खूबी बयान की थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे यार सबर करने वाले, सबर करने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे साथी। दूसरे मुकाम ते अल्लाह ने ऐलान फरमाया वइन तस्मिरू वतत्तकू फइन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया नबी दे यारो, अगर तुसी सबर इख्तियार करो, तकवा इख्तियार करो, ए हिम्मत वाले कम्मा दे अंदर है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी दे यारा दी खूबी बयान की थी। अस्साबिरीन सबर करने वाले सहाबा ने कितना सबर किया, सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला को बयान कर दे, बड़ी तवज्जो दे नाल समाअत फरमाना। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला को बयान कर दे, सही तिर्मिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दौर दे अंदर अबू हुरैरा दी हालत हुंदी, कई दफा मैं बेहोश होके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मिंबर ते हुजरे दे दरमियान डिग जाया करदा। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान कर दे, बेहोशी तारी हो जांदी, गशी तारी हो जांदी, लेकिन सबर कीता और सबर दा दामन नहीं छड़िया। आई दा मुसलमान नबी दा कलमा पढ़ने वाला मामूली जिहा फाका आ गया, तंगी आ गई, खुदकुशी वास्ते तैयार हो जांदे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे यारां दा सबर देखो, उन्हां दा सबर देखो, किस तरह सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने सबर कीता। सही तिर्मिज़ी दे अंदर हदीस मौजूद है, सैयदना फुज़ाला बिन उबैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान कर दे, फरमांदे मैं जानना उन्हां लोगां नूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी दे अंदर उन्हां असहाबे सुफा नूं जानना, फरमांदे जिस वक्त फजर दी नमाज खड़ी हुंदी, नमाज दे दौरान मैं कई ऐसे सहाबा नूं जानना जिहड़े बेहोश होके दौराने नमाज गिर जाया कर दे, गिर जाया कर दे, बेहोश हो जाया कर दे, और इराबी ते मुनाफक गल्लां करया कर दे। लेकिन सैयदना फुज़ाला रज़ी अल्लाह तआला को बयान कर दे, उन्हां दी हालत गुरबत दी वजह तो गशी तारी हो जांदी दुराने नमाज, इतनी सख्त नहीं कि नमाज दे अंदर खड़े हो जान, इतना सबर कीता, लेकिन उस दौर दे अंदर सूदी कारोबार मौजूद सी, उस दौर दे अंदर रिश्वत भी मौजूद सी, लेकिन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन दी अल्लाह ने सिफत बयान की थी अस्साबिरीन
अल्लाह ने फरमाया नबी दे यार सबर करने वाले, सबर करने वाले उन्होंने हलाल ही कमाया, हराम दी तरफ देखा नहीं, रिश्वत नहीं, सूदी कारोबार यहूदी उस दौर दे अंदर करया कर दे। लेकिन सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन सूदी कारोबार नहीं कीता, रिश्वत नहीं लई, किसे दा हक नहीं खादा, बल्कि अल्लाह और दे रसूल दे तरीकियां दे मुताबिक जिंदगी गुजारी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा दा शान बयान कीता, अस्साबिरीन, नबी दे सारे यार सबर करने वाले। आओ सहाबा दी दूसरी खूबी सुनो, कुरान दी सूरत दे अंदर, कुरान दी रोशनी दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वस्सादिकीन, सहाबा सच बोलन वाले, सच्ची गुफ्तगू करने वाले, सच बोलते सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन। लेकिन आज का मुसलमान सहाबा नु मनन वाला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु मनन वाला गल गल ते झूठ बोलता नजर आएगा, गल गल ते अल्लाह रब्बुल इज्जत मुआफ़ फरमाए झूठियां कसमां उठांदा होया नजर आएगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा दी अल्लाह ने खूबियां बयान कीतियां, वस्सादिकीन, नबी दे सारे यार सच बोलन वाले, इतना सच बोल ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह तौबा दे अंदर बयान कीता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक वास्ते तशरीफ लेके गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सारे सहाबा भी गए ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठे जाके जिस वक्त हाजरी लगाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु चंद साथी नजर न आए। आपने पूछा काब बिन मालिक किथे, हलाल बिन उमैया किथे, मरारा बिन रबी किथे, ऐ जंग दे अंदर शामिल ना होए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन और इसे तरह मुनाफिकीन ने आके मिलना शुरू कर दिया मस्जिद दे अंदर। मुनाफिक आंदे गए और आके झूठ बोल देंगे, फलां उजर फलां उजर, नबी पाक रवाना कर देंगे। लेकिन तीन बंदे आगे, सैयदना काब बिन मालिक, सैयदना मरारा बिन रबी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्यों नहीं शामिल हुए, कहने लगे अल्लाह के रसूल उजर कोई नहीं, बहाना कोई नहीं, जान बुझ के सुस्ती दी वजह तो शामिल नहीं हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ मेरे सहाबा ना दिनाल भाई काट कर दो, किसी ने कलाम नहीं करनी, किसी ने ना दिनाल गुफ्तगू नहीं करनी जितनी देर तक अल्लाह रब्बुल इज्जत दा हुक्म ना आ जाए। 40 दिन इसे तरह गुजर गए, अपने बिगाने रिश्तेदार दोस्त साथी कोई भी कलाम नहीं कर दो। तो 40 दिन तो बाद नबी पाक ने पैगाम भेजा अपनिया बीवियां नालों भी अलग हो जाओ। 50 दिन गुजर गए और सैयदना काब बिन मालिक कहना दे साथी रो रो के अल्लाह रब्बुल इज्जत को दुआ कर रहे। 50 दिन तो बाद मालिक को खालक ने कुरान नाजिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया नबी दे ओ यार जड़े जंग दे अंदर पीछे रह गए उन्होंने सच बोलिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्होंने सच की वजह तो मुकाम अता कीता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान दे अंदर सैयदना काब बिन मालिक उन्होंने साथियों के बारे कुरान की आयत नाजल की थी। मुनाफिकीन झूठ बोलन वालों के नामों निशान मिट गए, लेकिन जदों भी कुरान की इस आयत को पढ़िया जाता है कोई भी मुहद्दस कोई भी मुफसर जिस वक्त इन आयतों की तफसीर बयान करेगा या जदों भी बुखारी शरीफ किताब तफसीर का मुताला करेगा सैयदना काब बिन मालिक की सच्चाई के तस्करे होंगे, सैयदना हलाल बिन उमैया की सच्चाई के तस्करे होंगे, सैयदना मरारा बिन रबी के तस्करे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के अंदर जिक्र फरमाया और सैयदना काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला ने फरमाए उस बाद फिर सारी जिंदगी पहले भी झूठ नहीं बोलिया, बाद के अंदर भी कदी झूठ नहीं बोलिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा की सिफत बयान की थी वस्सादिकीन।
जमील। सहाबा सच बोलन वाले आओ मुसलमानों, सहाबा दे नाल प्यार है, सच नु लाजम पकड़ो, सच बोलिया कर। कारोबार होवे सच बोलिया कर, तिजारत होवे सच बोलिया कर, दिन होवे सच बोलिया कर, रात होवे सच बोलिया कर, अपना होवे सच बोलिया कर, बिगाना होवे सच बोलिया कर, सच नु लाजम पकड़िया कर। नबी पाक दा फरमान है फैन्ना सिदक यहदी लिल बिर्र, आपने फरमाया सच इंसान दी नेकी दी तरफ रहनुमाई कर दे और नेकियां इंसान नु जन्नत दे अंदर ले जांदियां। आओ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाईन दी तीसरी खूबी सुनो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान दे अंदर बयान कीता, वल कानितीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया नबी दे सारे सहाबा फरमा बरदार ने, इन्हें फरमा बरदार, अल्लाह दे भी फरमा बरदार और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे भी फरमा बरदार, इन्हें फरमा बरदार के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद फरमाया मैदान उहद के अंदर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन 70 सहाबा शहीद हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दंदान मुबारक शहीद होए, आप दा सर जख्मी होया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गड़े के अंदर डिग पे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने सहाबा सैयदना हमजा सैयदना मुसअब बिन उमैर 70 लाशें बिखरे और सहाबा थकावट की वजह तो चूर चूर ने, जख्मा की वजह तो चूर चूर ने, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन बड़ी परेशानी के अंदर। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो पता चलिया मुशरकीन एक दफा अपनी तरफों फतह हासिल करके चले गए, लेकिन थोड़ी जी दूर जाके मुशरकीन ने सोचा साढ़े कोल फतह दी दलील कोई नहीं, बदर दे अंदर मुसलमाना ने फतह हासिल की थी, उन्होंने साढ़े 70 कतल किए ते 17 नु कैदी बनाया, उन्होंने कोल माले खनीमत भी मौजूद सी, साढ़े कोल ना कैदी ना माले खनीमत, अगर मक्के जाके किसी ने पूछ लिया फतह दी दलील की दसांगे की बयान करांगे, चलिए वापस चलिए, आज मौका है मुसलमाना नु सफा हसी तो मिटा देंगे खत्म कर देंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु पता चलिया मुशरकीन दोबारा हमले की कोशिश कर रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा नु बुलाया, आपने पूछा मेरे सहाबा इस तो पहले कि मुशरकीन साड़ी तरफ आन असी उन्हां ते जाके दोबारा हमला कर देंगे, आपने फरमाया कौन कौन तैयार है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के अंदर फरमाया अल्लज़ीना सजाबू लिल्लाहि वर रसूल मिन बाद मा सबहु القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر العظيم। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा ने सखमा दे बावजूद आप दी बात लब्बई का किया, आप दी इताअत की थी, फरमा बरदारी की थी, 70 सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमईन तैयार हो गए, मुशरकीन दी तरफ दोबारा सफर शुरू कर दिता। सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने भांजे उरवा बिन सुबैर रहिमहुल्लाह नु फरमान लगिया, ए उरवा बेटे तेरे वास्ते बशारत है, इन्हां 17 दे अंदर तेरे दोनों बाप शरीक सी, तेरा बाप जुबैर बिन अवाम भी शामिल सी और तेरा नाना तेरा बाप अबू बकर सिद्दीक भी शामिल सी। इन्हां 17 दे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा इतने वफादार सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन जख्मा दे बावजूद हमरा उल असद दे मुकाम ते पहुंचे, 8 किलोमीटर 8 मील सफर कीता। मुशरकीन नु पता चलिया कि ए जनाब होर कुमक लैके साडे ते हमला करना चाहते, अबू सुफियान और एदे साथी नस गए, दोबारा अल्लाह रब्बुल इज्जत मुआफ़ फरमाए पेशकदमी ना कीती, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा दी सिफत बयान कीती वल कानितीन।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया नबी दे सारे सहाबा फरमा बरदार ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने इस हालत के अंदर भी पैरवी की थी, जख्मा के बावजूद भी पैरवी की थी, ताई तो मुहब्बत दे नाल ऐलान करना चाहना सिद्दीक उमर मिसाली है गनी अली निराले हैं, अल्लाह है वली उनका वो अल्लाह वाले हैं, मुसलमान फिदाउन पर राजी है खुदा उन पर, पहलुए मुहम्मद में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहलुए मुहम्मद में जिन्होंने डेरे डाले हैं, सदीक उमर मिसाली हैं गनी अली निराले हैं, मुख्तसर बताऊं तुमको अस्मत सिहाबा की, रब का कुरान देखो जगह जगह हवाले हैं, सदीक उमर मिसाली हैं गनी अली निराले हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सारे यारी फरमा बरदार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा की चौथी खूबी बयान की थी, वल मुनफिकीन, अल्लाह ने फरमाया नबी दे सारे यार खर्च करने वाले, अल्लाह दे रस्ते दे अंदर माल खर्च करने वाले, दौलत खर्च करने वाले, ज्यादा देने वाले, कम देने वाले, और अमीर है तो भी अल्लाह दे रस्ते दे अंदर खर्च कर रहे, गरीब है तो भी अल्लाह दे रस्ते दे अंदर खर्च कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा दा शान बयान कीता कुरान दे अंदर, अल्लज़ीन युन्फिकून अमवालहुम बिललैल वन्नहारी सिर्रन वअलानिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया नबी दे यार इलानिया खर्च कर दे, खुफिया खर्च कर दे, रात नु खर्च कर दे, दिन नु खर्च कर दे, सैयदना अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कर दे और रब दे कुरान दी कोई ऐसी आयत नहीं जिससे अली ने अमल ना कीता होवे, सैयदना अली रजी अल्लाह तआला ने फरमान दे जिस वक्त अल्लाह ने इस आयत दा नज़ूल फरमाया मेरे को चार दिरम मौजूद सी, फरमान दे एक दिरम मैं रात नू खर्च कीता, एक दिरम दिन नू खर्च कीता, एक दिरम इलानिया खर्च कीता, एक दिरम खुफिया खर्च करके अल्लाह रब्बुल इज्जत दे कुरान ते अमल कीता। आओ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अल्लाह ने सिफत बयान की थी, मालिक ने फरमाया वल मुनफिकीन सहाबा खर्च करने वाले, सहाबा किस तरह खर्च कर दे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने सारा माल अल्लाह के रस्ते के अंदर खर्च कर दिया, सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला ने अद्धा माल अल्लाह के रस्ते के अंदर खर्च कर दिया, सैयदा अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा दी सीरत का मुतालिया करो, सैयदना इमाम उरवा बिन जुबैर रहिमहुल्लाह फरमान दे 70,000 दिरहम एक दफा सैयदा माईशा रदी अल्लाह तआला अन्हानु किसे ने भेजे, माईशा ने जड़ी कमीज पाई कई पिबंद लगे फटी हुई कमीज, लेकिन माईशा ने 70,000 दिरहम अल्लाह दे रस्ते दे अंदर खर्च कर दिते। इमाम उरवा बिन जुबैर कहन लगे माँ जी सूट ही अपना नवा बनवा लेंदे, माँ जी फरमान लगियां बेटा ए दुनिया भी आरजी, दुनिया का लिबास भी आरजी, सुहा से मैं आखरत की तैयारी कर रही हूँ। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के बारे मालिक व खालिक ने फरमाया वल मुनफिकीन सहाबा अल्लाह के रस्ते के अंदर खर्च करने वाले, सहाबा अल्लाह रब्बुल इज्जत के रस्ते के अंदर दौलत खर्च करने वाले, दिरहम व दिनार खर्च करने वाले, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की पंजवीं खूबी सुनो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया सारे सहाबा की मान वाले, कोई सहाबी भी अल्लाह रब्बुल इज्जत मुआफ़ फरमाए साढ़े माहौल मुआशरे के अंदर
कई ऐसे जरासीम मौजूद ने जिहड़े सहाबा दे बारे तबर्रा कर दे कि सिर्फ चार रह गए सी, बाकी सारे सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वफात तो बाद इस्लाम छड़ गए, दीन छड़ गए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत दा कुरान इमाम तो मुनहरिफ हो चुके थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जगह जगह कुरान दे अंदर सहाबा दे इमाम दियां गवाहियां दित्तियां, सहाबा ईमान वाले, सहाबा शान वाले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीन إذ يباشعونك تحت الشجرة। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अलबत्ता तहकीक अल्लाह राजी हो गया उन्हां मोमना ते जिन्होंने दरख्त दे थल्ले बैत की थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। अल्लाह उन्हां मोमना ते राजी हो गया और इन्हां मोमना दे अंदर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी शामिल ने, सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी शामिल ने। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरे मुकाम ते ऐलान फरमाया वलाकिन اللَّهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मैं सहाबा वास्ते ईमान पसंद कीता और ईमान नु सहाबा दे दिलां दे अंदर मुसय्यन कर दिता। दूसरे मुकाम ते अल्लाह ने फरमाया उलाइक कतबा फी कुलूबिहिमु الْإِيمَان। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया सहाबा दे दिलां दे अंदर ईमान मैं लिखिया, अज दुनिया का लिखिया होया नहीं मिटदा, और जिन्हां दे दिलां दे अंदर अल्लाह खालिक मालिक राज़िक खुद ईमान लिख दे वह ईमान दिलां चो किवें मिट सकदे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन दे दिलां दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद ईमान लिखिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत दा लिखिया होया ईमान दुनिया मिट सकदी, आसमान फट सकदा, जमीन दे टुकड़े टुकड़े हो सकदे, पहाड़ रेसा रेसा हो सकदे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत लिखिया होया ईमान नहीं मिट सकता। सहाबा के दिलों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान लिखिया वकर रहा इलैकुम अल-कुफ्र वल-फुसूक वल-निसियान। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मैं सहाबा वास्ते कुफर ना पसंद कीता, मैं इसियान ना पसंद कीता, मैं फसूक ना पसंद कीता। बहुत बड़े मुफस्सर कुरान दे मौलाना अब्दुल रहमान सादी रहमहुल्लाह फरमांदे ने कि कुफर सहाबा तो वैसे दूर है, लेकिन इस फसूक तो मुराद कहेंगे कबीरा गुनाह, इसियान तो मुराद सगीरा गुनाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने कुफर तो भी महफूज फरमाया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबीरा गुनाह मा तो भी महफूज फरमाया, सगीरा गुनाह मा तो भी महफूज फरमाया। ऐसी पाक बाज जमात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन दी कहिंदे ईमान नसी, मैं तो फिर आख्या करना अगर ईमान ना हुंदा 313 बदर दे अंदर ना जांदे, अगर ईमान ना हुंदा 750 उहद दे अंदर ना जांदे, अगर ईमान ना हुंदा हुदैबिया दे अंदर 1400 सहाबा ना पहुंचदे, अगर ईमान ना हुंदा 19 हुज़ैर खैबर दे अंदर शामिल ना हुंदे, अगर ईमान ना हुंदा 20,000 फतह मक्का दे अंदर ना पहुंचदे, अगर ईमान ना हुंदा 12,000 हुनैन दे मैदान दे अंदर ना पहुंचदे, अगर ईमान ना हुंदा 30,000 तबूक दे अंदर शामिल ना हुंदे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौके ते हर महाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे साथी जाना भी कुर्बान करते रहे, माल भी कुर्बान करते रहे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा ईमान दिलां दे अंदर लिखे है किसे मौके ते सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पीछे नहीं रहे और आखिर तक ईमान वाले रहे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, दिलां दे अंदर मैं ईमान लिखिया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया रब्बना उफिल लना वल इख्वानिना लजीना सबकूना बिल ईमान। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया बख्शिश की दुआ करया करो उन लोग वास्ते जेड़े ईमान दे अंदर सबकत लै गए, उन्हां वास्ते बख्शिश की दुआ करया करो। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला दे कोल एक बंदा आया, कहन लगा सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला दे बारे की ख्याल है। सैयदना इमाम हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला फरमान लगे तू मुहाजर है, कहन लगा जी नहीं।
फरमान लगे तू अंसार है, कहने लगे जी नहीं। फरमान लगे फिर तीसरी बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वल्लज़ीन तबाउहुम बिइहसानिन, बाद दे अंदर ऐसे लोग आणगे जेडे सहाबा दे नाल मुहब्बत करन वाले होणगे। इस तों साबत होया तू मुहाजरीन विच भी नहीं, अंसार विच भी नहीं, तो सहाबा नाल प्यार करन वाला भी नहीं। इस वास्ते हुण या मुनाफक बचते ने, ये यहूदी बचते ने, ईसाई बचते ने, उन्हां विचों हो सकदा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे यारां दे नाल बुग़्ज़ रखण वाला। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सारे सहाबा शान वाले मुकाम वाले, इसे वास्ते मुहब्बत दे नाल ऐलान करना चाहना, आका दे सहाबा नाल दोस्ती बना, जेड़े सच्चे दीन इस्लाम दे गवाह, आका दी नबुवत दे तेई साल नू वेखे असी हाबा साईं दे हर हाल नू, हर हाल नू एक पल भी ना होए ओ आका तो जुदा, जेड़े सच्चे दीन इस्लाम दे गवाह, बड़े बावफा बा कमाल दस दे, दुख सुख बिच नाल नाल दस दे, नाल नाल दस दे, सूली ते भी चढ़ के केंदे सच्चा है खुदा, सच्चा है खुदा नाल सच्चा मुस्तफा, जिन्ना इस्लाम दियां गवाइयां दितियां, इन्हां दियां कुरान ने सफाइयां दितियां, सफाइयां दितियां, रज़ी अल्लाह अन्हुम तमगा मिला, जेड़े सच्चे दीन इस्लाम दे गवाह। आओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे यारां दी अल्लाह ने छेवीं सिफत बयान की थी कुरान दे अंदर, वल मुस्तगफिरीन बिल अस्हार। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया नबी दे यार जिस वक्त पिछली रात का वक्त हो जाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत को रो रो के दुआवां करन वाले, अपने गुनाहों दी मुआफियां मंगन वाले, अल्लाह रब्बुल इज्जत दे नाल ताल्लुक कायम करन वाले, ए पाक बादशाह सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन दी लेकिन गुनाहों तो पाक ने, लेकिन ए बावजूद भी कई दफा जन्नत दियां बशारतां मिलियां। आपने फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, आपने नाम ले ले के आखिया, लेकिन ए बावजूद भी सहाबा दी हालत है वे वल मुस्तगफिरीन बिल अस्हार। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया नबी दे यार रातां नूं उठ के गुनाहां दी मुआफियां मंगण वाले, अल्लाह रब्बुल इज्जत कोल तौबा करन वाले, इस्तिगफार करन वाले। आओ सतवीं खूबी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा दी बयान की थी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया नबी दे यार काफरां वास्ते बड़े सख्त ने सहाबा, काफरां वास्ते बड़े सख्त ने। आओ इहदी एक मिसाल पेश करा, सही अल बुखारी दे अंदर मौजूद है, सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला नूं जिस वक्त पता चलिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वफात तो बाद कई ऐसे लोग ने जिहड़े मुर्तद हो गए, दीन नूं छड़ दिता, इस्लाम नूं छड़ दिता। सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला नूं ने गिलान फरमाया, फरमान लगे जेड़ा ज़कात दा इनकार करेगा, नबी पाक दे दौर दे अंदर जेड़ा एक रस्सी भी अदा करदा सी अज उहने रस्सी अदा ना कीती। सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला नूं फरमांदे मैं उहदे नाल जिहाद करांगा, किताल करांगा। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला नूं फरमान लगे अमीरुल मोमिनीन
इन्होंने ज़कात छड़न दी वजह तो तुसी कहंदे हो जिहाद करांगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु मुर्तदीन काफरां वास्ते इतने सख्त ने अशिद्दा को अलल कुफार दे मिसाक ने फरमान लगे नबी पाक दे दौर दे अंदर जेड़ा एक रस्सी भी दिंदा सी ज़कात दे अंदर अगर एक रस्सी दा भी इनकार करेगा एक रस्सी दी वजह तो मैं उहदे नाल जिहाद करांगा किताल करांगा क्यों मुर्तद हो गया दारा इस्लाम तो खारिज हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा दी सिफत बयान की थी अशिद्दाउ अलल कुफार। अल्लाह ने फरमाया नबी दे यार काफरां वास्ते बड़े सख्त ने लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अठवीं खूबी सहाबा दी बयान की थी रुहमा बैनहुम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया नबी दे यार अपने वास्ते बड़े नरम ने काफरां वास्ते बड़े गरम ने अपने वास्ते बड़े नरम ने अपने दे नाल मुहब्बत करन वाले आपस दे अंदर प्यार करन वाले आपस दे अंदर मुहब्बत करन वाले और रुहमा को बैनहुम दियां दो मसालां दे के बात नूं अगे चलावां। सैयदना अबू जहम बिन हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान कर दे इमाम इब्ने अब्दुल बर रहिमहुल्लाह ने अपनी किताब अल-इस्तिआ फी मारिफतिल नसहाब दे अंदर इस वाक्य नूं बयान कीता जिस वक्त जंगे यरमूक दा मौका आया सैयदना अबू जहम बिन हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान कर दे मेरा एक करीबी रिश्तेदार ओ जनाब मौत दी कसम कश दे अंदर है उन्हें आवाज़ दी मैनू पानी पिलाओ। फरमांदे मैं पानी दा प्याला लैके जिस वक्त ओहदे करीब पहुंचया पानिया नूं देण लगा उन्नी देर तक एक होर सहाबी दी करहन दी आवाज़ आई कि मैनू को पानी पिलावे। जख्मी सहाबी मेरा रिश्तेदार कहन लगा पहले मेरे उस मुसलमान भाई नूं पानी पिला। मैं कहिंदा जिस वक्त ओहदे करीब पहुंचया उन्हों पानी देण लग्या एक तीसरे मरीज सहाबी दी करहन दी आवाज़ सुनी उन्हें आख्या मैनू नहीं बल्कि मेरे उस साथी नूं पानी पिला। मैं कहिंदे जिस वक्त ओहदे कोल पहुंचया मेरे पहुंचदिया पहुंचदिया उहदी शहादत हो गई अल्लाह नूं प्यारा हो गया। मैं दूसरे दे कोल आया उन्नी देर तक वह भी अल्लाह नूं प्यारा हो गया। मैं तीसरे दे कोल पहुंचया वह भी उन्नी देर तक अल्लाह नूं प्यारा हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत दा कुरान ऐलान कर दे रुहमाहुम बैनहुम। सहाबा आपस दे अंदर नरमी करन वाले आपस दे अंदर मुहब्बत करन वाले आपस दे अंदर शफकत करन वाले आपस के अंदर बड़े रहम दिल ने। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी ज़मीन सैयदना दूसरा वाक्या सुनो रुहमा गु बैनहुम दी अमली तफसीर। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी ज़मीन सैयदना अब्दुल्ला बिन सुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल मिलदी। एक दफ़ा सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे चंद गुलामां ने सैयदना अब्दुल्ला बिन सुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी ज़मीन ते कब्ज़ा कर लिया। सैयदना अब्दुल्ला बिन सुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खत लिखिया उस खत के अंदर जुमले लिखे अमीर मुआविया अपने बदमाश गुलामा नु वापस बुला ले वरना मैं लड़ाई करांगा हालात खराब हो जाएंगे। बड़ा धमकी अमेज खत लिखिया सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने खत पढ़िया। खत पढ़न तो बाद कातब नु बुला के खत लिखवाया कहन लगे कि अमीर मुआविया बिन अबू सुफियान खत लिख रहा अपने भाई अब्दुल्ला बिन सुबैर की तरफ है अब्दुल्ला बिन सुबैर मेरे गुलामा ने वाकया ज़्यादती की थी मैं मासर चाहना लेकिन जिस वक्त मेरा खत तेरे कोल पहुंचे मेरी जिन्नी जमीन तेरे नाल लग दी आज तो बाद वो जमीन भी तेरी मेरे जड़े गुलामा ने तेरी जमीन ते कब्जा किया आज तो बाद वो गुलाम भी तेरे। सैयदना अब्दुल्ला बिन सुबैर रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने जिस वक्त खत पढ़िया तो अखा चो आंसू आ गए कि मैं किस तरह का जवाब दिता लेकिन अमीर मुआविया ने रुहमाहुम बैनहुम दी अमली तफसीर पेश की थी। इस वास्ते मेरे मुसलमान वीर सहाबा आपस के अंदर नरमी करने वाले आपस के अंदर मुहब्बत करने वाले आपस के अंदर प्यार करने वाले आपस के अंदर शफकत करने वाले इस वास्ते मुहब्बत ऐलान करना चाहना
बड़ी मोहब्बत के नाल जुमले लिखे समाप्त फरमाना, कर ले तू इकरार नबी दे यारां दा, बन जा सचा वफादार नबी दे यारां दा। कर ले तू इकरार नबी दे यारां दा, बन जा सचा वफादार नबी दे यारां दा। रूहां मांगूं बेना हुम रब फरमाया, रूहां मांगूं बेना हुम रब फरमाया, कुरान ते दसदा प्यार नबी दया यारां दा, कुरान ते दसदा प्यार नबी दया यारां दा। जाकर झूठ बोल दे, झूठ बोल दे, गलत कहिंदे, तारीख नूं बुनियाद बना के सहाबा दियां आपस दे अंदर लड़ाइयां, आपस दे अंदर दुश्मनियां, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत दा कुरान ऐलान कर दे, रूहां मांगूं बेनहुम, कुरान ते दसदा प्यार नबी दे यारां दा, बन जा सचा वफादार नबी दे यारां दा। बड़ी मोहब्बत दे नाल तवज्जो दिला रहे हैं सहाबा दे किरदार दे हवाले दे नाल, अदी दी बहन सफर सहाबा नाल कीता, अदी दी बहन सफर सहाबा नाल कीता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त सहाबा नूं रवाना कीता, कबीला बनू तैदा इलाका फतह होया, अदी बिन हातम, हातम ताई दा बेटा नस गया, दी बहन कैदी होके आ गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जत दे नाल चादर पहनाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो हातम ताई दी बेटी कहन लगी, मैं अपने भाई नु दावत दिनी, दीन दी तरफ मैनू रवाना करो, लेकिन सफर बड़ी दूर दा, जंगल दा रास्ता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाल सहाबा नु रवाना कर दिता, लेकिन जिस वक्त अदी ने दूरों अपनी बहन देखिया, नौजवानों के नाल आंदे हुए दौड़ के आया, आके कहन लगा, बाकी गल्लां बाद च होणगियां, पहले दस तेरी इज्जत भी महफूज रही है या नहीं रही है। उन्होंने अदी दे लफ्जा दा और उन्होंने बहन दे लफ्जा दा तर्जमा कर रहे हैं, अदी दी बहन सफर सहाबा नाल कीता। तो अदी दी बहन कहन लगी, उच्चा है किरदार नबी दे यारां दा, सुचा है किरदार नबी दे यारां दा, बन जा सचा वफादार नबी दे यारां दा। कैसरों किसरा दे तख्त सिहाबा लताड़ दिते, कैसरों किसरा दे तख्त सिहाबा लताड़ दिते, काफर मन के वकार नबी दे यारां दा, बन जा सचा हुबेदार नबी दे यारां दा। अबू बकर ते उमर दी शान दे क्या कहने, अबू बकर ते उमर दी शान दे क्या कहने, इकट्ठा दरबार नबी दे यारां दा, बन जा सचा वफादार नबी दे यारां दा। सदीकी ना पेट दिया सन दिया रहना है, सदीकी ना पेट दिया सन दिया रहना है, सदीकी ना पेट दिया सन दिया रहना है, जेड़ा भी गद्दार नबी दे यारां दा, बन जा सचा वफादार नबी दे यारां दा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी दे यारां दी नौवीं खूबी बयान की थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, फल्लज़ीना हाजरू
सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन अल्लाह वास से हिजरत करने वाले अपना घर बार छड़िया अपना इलाका छड़िया अपना वतन छड़िया घर बार छड़ना इलाका छड़ना वतन छड़ना बड़ा मुश्किल है लेकिन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन दी खूबियां फल्लज़ीन हाजरू उन्होंने घर बार छड़िया अपना इलाका छड़िया वतन छड़ दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दसवीं खूबी बयान की थी वह शान बयान किया और अल्लाह ने यार भी खूबी बयान की थी वो फी सबीली अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया सहाबा नु मेरी वजह तो तकलीफा पहुंचिया सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन तकलीफा पहुंचिया मेरी वजह तो अल्लाह की लान कर रहे हैं सहाबा दे टुकड़े हुए मेरी वजह तो सय्यदा सुमैया दे टुकड़े हुए मेरी वजह तो सय्यदना यासर नु शहीद किया गया उज़ू फी सबीली मेरी वजह तो सय्यदना मार बिन यासर नु पानी दे अंदर टुबकियां दितियां गईं मेरी वजह तो सय्यदना खुमैब बिन अली रजी अल्लाह तआला नु सूली ते लटकाया गया मेरी वजह तो सय्यदना बिलाल नु गोलियां ते लटाया गया मेरी वजह तो सय्यदना बिलाल नु पथरीली जमीन ते घसीटिया गया मेरी वजह तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वजाहत फरमा दी थी वऊज़ू फी सबीली मेरी वजह तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन दियां चमड़ियां उधेड़ियां गईयां मेरी वजह तो सय्यदा ज़ुनैरा दियां अखां कढ़ियां गईयां मेरी वजह तो सय्यदना हमजा दी लाश दे टुकड़े टुकड़े कीते गए मेरी वजह तो सय्यदना हमजा दा जिगर चबाया गया मेरी वजह तो सय्यदना मुसा बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु दी शहादत हुई मेरी वजह तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी दे इशारां दा तस्करा फरमा रहे वऊज़ू फी सबीली मेरी वजह तो तकलीफ पहुंचाए गए दुख उठाए बच्चे शहीद करवाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत दी मोहब्बत दी वजह तो तौहीद दी वजह तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने कोई ऐसा मौका नहीं जिथे कुर्बानी पेश करके अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु राजी ना कीता होवे अल्लाह कह रहे वऊज़ू फी सबीली मेरी वजह तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन नु तकलीफा पहुंचिया इज़ामा पहुंचिया दुख पहुंचे लेकिन हर दुख बर्दाश्त करके इस्लाम ते पक्के भी रहे सच्चे भी रहे अज ज़ालिमो उन्हां दे इमाम दे बारे गंदी जुबान इस्तेमाल कर दे हो जिना दा ईमान अल्लाह ने खुद फरमाया फैन आमनो बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फकद इहतदाओ ओ में ईमान लेके आओ जिमें नबी दे इशार ईमान लेके आए फिर तुहाडा ईमान कबूल होएगा जिन्होंने तन मन धन कुर्बान किया अल्लाह रब्बुल इज्जत मुआफ फरमाए अज उन्हां दे बारे गंदी जुबान इस्तेमाल कर दे हो अगर नबी दे सहाबा अल्लाह दी जमीन ते मुसलमान नहीं फिर अल्लाह दी जमीन ते मुसलमान दा वजूद ही नहीं कुरान सहाबा दा इस्लाम साबित कर दे ईमान साबित कर दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा दा ईमान सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन दा इस्लाम बयान किया लेकिन आज ओ महफूज नहीं तो दुनिया के अंदर किसी की इज्जत महफूज नहीं और बारहवीं खूबी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान की थी वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा नबी दे यार ते ऐसे ने खुद भुखे रहिंदे ने तो लोगों नु खाने खिलांदे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हां दे इशार दा भी कुरान दे अंदर तस्करा फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत को दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सहाबा दी हर खूबी सानू अपनान दी तौफीक अदा करे और मैं जो मुतालिया कर रहा सी इंशाल्लाह फिर कभी अल्लाह ने मौका दिता तकरीबन 40 दे करीब ऐसी सिफात ने जेड़िया सिफत नबी पाक दे अंदर ने ओ ही सिफत सहाबा दे अंदर ने यानी जो कम नबी पाक ने किया ऐसे शगिर्द बड़े घट नजर आएंगे कि जेड़ी सेम टू सेम उस्ताद की कापी करन लेकिन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ऐसे शान वाले मुकाम वाले कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तकरीबन 40 खूबियां ऐसियां जेड़ियां खूबियां नबी पाक दे अंदर ओही खूबियां सहाबा ने अपनाइया ने अल्लाह उन्हां दी सीरत उन्हां दे नक्शे कदम ते चलन दी तौफीक अदा करे सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका वअतूबु